आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनार की केयर के बारे में कि सर्दियों में हम अनार की केयर कैसे करें और उससे ज़्यादा फल एवं फूल कैसे पाएं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे ग्रीन परी गार्डनिंग चैनल पर। आप जो सामने अनार का पौधा देख रहे हैं यह बहुत ही छोटा है और मैंने इसे 8 से 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है। यदि आपने भी अपने घर पर अनार का पौधा किसी पॉट में लगाया हुआ है तो आज हम बताने वाले हैं इसकी केयर के बारे में कि सर्दियों में आपको इसकी केयर कैसे करनी है ताकि आप इससे ज़्यादा फल एवं फूल प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप जो सामने अनार का पौधा देख पा रहे हैं ये बहुत ही छोटा है और इस छोटे से अनार के पौधे पर ढेर सारे फूल खिले हुए हैं जो कि कुछ ही दिनों में फलों में बदल जाएंगे। दोस्तों हमें अपने अनार के पौधे को सर्दियों में ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि ज़्यादा पानी देने से हमारा पौधा ग्रो तो करता है लेकिन उस पर फल और फूल बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। तो हमें सर्दियों में अपने अनार के पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना है, हमें लगभग 5 से 6 दिन बाद ही इसमें पानी देना है ताकि इसकी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे और ये अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। हमें इसकी गुड़ाई लगभग 15 से 20 दिन बाद कर देनी है ताकि पौधा अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। हमें अपने अनार के पौधे को किसी ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर लगभग 1 से 2 घंटे की धूप आती हो क्योंकि धूप से हमारे जो अनार के पौधे पर फूल आते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में कि हमें अपने अनार के पौधे में कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए। यदि आप अपने अनार के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप इसमें मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। यदि आपके पास मस्टर्ड के एक फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और बात की जाए इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में तो आप इसमें DAP दे सकते हैं। यदि DAP नहीं है तो आप इसमें यूरिया भी दे सकते हैं। दोस्तों मैं इसमें ऑर्गेनिक खाद ही यूज करता हूँ। आप जो सामने हमारे अनार के पौधे की मिट्टी देख पा रहे हैं यह पूरी तरीके से भुरभुरी बनी हुई है क्योंकि मैं इसमें पानी बहुत ही कम डालता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं अपने अनार के पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कर लेता हूँ ताकि हमारा जो अनार का पौधा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। ये देखिए दोस्तों मैंने अपने अनार के पौधे की जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। हमें लगभग 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई करनी है, हमें ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है। आपको भी इसी तरीके से अपने अनार के पौधे की अच्छी तरीके से 1 से 1.5 इंच गहरी गुड़ाई करनी है ताकि आपका जो अनार का पौधा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ उस फर्टिलाइज़र के बारे में जिसे मैं अपने अनार के पौधे में यूज करता हूँ। आप जो सामने देख पा रहे हैं ये मैंने बनाना पिल फर्टिलाइज़र लिया हुआ है जो कि हमारे अनार के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। तो चलिए पहले मैं इस फर्टिलाइज़र को हमने जो अपने अनार के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई की थी उसमें डाल लेता हूँ ताकि हमारा अनार का जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। दोस्तों आपको भी इसी तरीके से अपने अनार के पौधे की मिट्टी है उसकी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लेनी है और उसमें बनाना पिल फर्टिलाइज़र को डाल देना है। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें बनाना पिल फर्टिलाइज़र को डाल दिया है। अब हमारा जो अनार का पौधा है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा और उस पर जो फूल आए हैं वो बहुत ही कम दिनों में फलों में बदल जाएंगे और हमारा जो अनार का पौधा है वो हरा भरा एवं घना बना रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। तो दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।